हेलो स्टूडेंट्स, चैप्टर फिफ्थ इज इन रनिंग कोल एंड पेट्रोलियम. ओके, अबाउट कोल आई हैड डिस्कस्ड अर्लियर इन द प्रीवियस वीडियो. व्हाट इज द कोल एंड हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कोल एंड हाउ द वुड इज कन्वर्टेड इनटू द कोल. कि कोल जो होती है, वुड जो होती है आपकी, लॉन्ग टाइम में, मिलियन ऑफ ईयर्स में कैसे कोल में कन्वर्ट होती है. एंड व्हाट आर द बाय प्रोडक्ट्स ऑफ द कोल. कौन कौन से प्रोडक्ट्स हैं जो हमें कोल से मिलते हैं बाय द प्रोसेस दैट इज कॉल्ड द डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन. ठीक है, ये सब हो गए थे डिस्कस. देन नाउ द टॉपिक इज अबाउट दैट इज आपके है पेट्रोलियम. ठीक है, आई एम डिस्कसिंग नाउ कि व्हाट इज अ पेट्रोलियम. पेट्रोलियम इट इज ऑल्सो, देखिए यहाँ पर कोल जो है फॉसिल फ्यूल है. कोल एंड पेट्रोलियम बोथ आर द फॉसिल फ्यूल बिकॉज दीज आर ऑब्टेन्ड बाय द रिमेन्स ऑफ द डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स ओवर मिलियन ऑफ ईयर्स. ठीक है, बहुत ज्यादा टाइम होता है. सो दे कैन बी कंसिडर्ड एज अ एग्जॉस्टेबल रिसोर्स. इफ वंस डिस्ट्रॉय दे विल बी फॉर्म्ड अगेन ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. अगर हम इनको ओवर एक्सप्लॉइट करते हैं, बहुत ज्यादा यूज करते हैं, तो हमारी आगे आने वाली जनरेशन के लिए ये उपलब्ध नहीं होंगे, तो क्या हो सकता है कि उन्हें एनर्जी क्राइसिस का सामना करना पड़ सकता है. तो इस केस में यहाँ पर हमें जुडिशियसली यूज करने चाहिए. इस चीज का ध्यान रखना कि हमें कैसे यूज करना, ताकि हमें तो फायदा हो, साथ में हमारी आने वाली जनरेशन को भी इनसे प्रॉफिट मिल सके. ठीक है, तो पेट्रोलियम के बारे में डिस्कस करते हैं. पेट्रोलियम इट इज ऑल्सो ए काइंड ऑफ फॉसिल फ्यूल बिकॉज इट इज ऑब्टेन्ड बाय द डेड रिमेन्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म ओवर ए मिलियन ऑफ ईयर्स. कई साल लगते हैं इनको बनने में. एंड इट इज अ लिक्विड फ्यूल, एक लिक्विड फॉसिल फ्यूल है. समझ रहे हैं बात, जबकि हमारा जो कोल था एक सॉलिड कैटेगरी में आता है. और नेचुरल गैस हम डिस्कस करेंगे, जो कि नेचुरल गैस है वो भी आपके एक फॉसिल फ्यूल है, जैसे सीएनजी, बट इट इज अ गैसेस फॉसिल फ्यूल. ठीक है, तो फॉसिल फ्यूल आर रिप्रेजेंट इन थ्री कैटेगरी, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. सॉलिड इज अ कोल, पेट्रोलियम इज अ लिक्विड इन स्टेट एंड नेचुरल गैस इज इन द गैसेस स्टेट. ठीक है, तो पेट्रोलियम अबाउट द इट इज अ फॉसिल फ्यूल एंड पेट्रोलियम. देख रहे हैं आप, समझ रहे बात, पेट्रोलियम का मतलब हो गया. अब देखिए, हम जानते हैं कि पेट्रोलियम एक इम्पॉर्टेंट फ्यूल है. अब जैसे आप जानते हैं, इसमें आपने पेट्रोल होगा गाड़ी में भरते हैं, डीजल भरवाते हैं, कैरोसिन यूज करते हैं स्टोव में, लैम्प में, ऑल दीज काइंड, मोमबत्ती की मोम होती है, ये सब बनाई जाती है. ऑल दीज काइंड आर ऑब्टेन फ्रॉम द पेट्रोलियम. किससे मिलती है? पेट्रोलियम से. ठीक है, तो कैसे मिलती है? पेट्रोलियम तो जस्ट अ सिंगल लिक्विड है, एक सिंगल लिक्विड है. तो उस लिक्विड के अंदर बहुत सारे ऐसे लिक्विड्स होते हैं जो आपस में मिक्स होते हैं. ठीक है, और हमें जरूरी है कि उन सारे लिक्विड्स को हम क्या करें, सेपरेट करें. तो पहले जानते हैं व्हाट इज द पेट्रोलियम. पेट्रोलियम दो शब्दों से मिलकर बनाए. पेट्रोलियम इट इज डिवाइडेड इन टू टू वर्ड्स, पेट्रा प्लस ओलियम. ठीक है, ओलियम का मतलब होता है ऑयल और पेट्रा का मतलब होता है रॉक. समझ रहे बात, रॉक. तो रॉक के बीच में एक ऐसा एक ऑयल प्रेजेंट है. ठीक है, जो रॉक के बीच में से मिला है, दैट इज क्योंकि रॉक के बीच में से मिला है इसलिए इसको कहते हैं पेट्रो ओलियम, मतलब ऑयल. ठीक है, रॉक के बीच में से मिलने वाला ऑयल, दैट इज कॉल्ड पेट्रोलियम. अब बात यह है कि यहां पर रॉक कौन सी है? इम्परवियस रॉक्स हैं. इम्परवियस रॉक कहते हैं ऐसी रॉक्स विच डज नॉट अलाउ द फ्लो ऑफ वॉटर एंड ऑल, किसी भी काइंड के लिक्विड को फ्लो नहीं होने देते. इट मीन्स इम्परवियस रॉक्स, इम्परवियस रॉक आर दोज रॉक विच does not allow the flow of water and oil. ठीक है, इन सो such type of rocks क्या कहलाती है? impervious rock. तो जब ये oil बनता है नीचे, तो क्या होता है, ये जो impervious rocks होती है उनके बीच बीच में जाकर collect हो जाता है. ठीक है, तो जब ये जाकर यहाँ पर collect होता है, इसीलिए क्योंकि रॉक के बीच में कलेक्ट हो रहा है ऑयल, सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड द पेट्रोलियम, यानी पेट्रोलियम. क्या कहलाता है ये? पेट्रोलियम. एंड द रॉक्स आर इन विच इन बिटवीन इट इज कलेक्टेड, दैट इज कॉल्ड इम्परवियस रॉक. कैसी कहलाती है? इम्परवियस रॉक विच डज नॉट अलाउ द फ्लूड और डज नॉट अलाउ द वॉटर एंड ऑयल टू फ्लो, यानी इट रसिस द फ्लो ऑफ वॉटर एंड ऑयल. इनका जो फ्लो है उनको रसिस्ट करती है. समझ रहे बात, तो ये कहलाता है. तो यहां पर बनता कैसे है? फॉर्मेशन के बारे में बात करते हैं. पहले तो फॉर्मेशन ऑफ पेट्रोलियम. ठीक है, इसमें फॉर्मेशन ऑफ पेट्रोलियम क्या होता है कि इट इज फॉर्म्ड इन द सी. तो ओवर मिलियन ऑफ इयर्स जो हमारे ऑयल जैसे जो आपका जो समुद्र वगैरह होता है, सी होता है, उनमें जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, कोई अगर डाई हो जाता है इन द सी में, ठीक है, कोई भी अगर ऑर्गेनिज्म डाई हो जाता है, देन सेटल एट द बॉटम, एट बॉटम
समझ रहे बात, बॉटम पर सेटल हो जाता है, देन इट इज कवर्ड बाय सॉइल, यानी उसके ऊपर सॉइल धीरे धीरे क्या होता है, मैं स्ट्रैप लिख रही हूँ स्ट्रैप में, तो धीरे धीरे क्या होता है उसके ऊपर सॉइल जो है कवर अप होती है, इट मींस वी कैन सी की डिपोजिशन ऑफ द सॉइल, ठीक है, और धीरे धीरे डिपोजिशन हो सकता है, हो जाता है ग्रेजुअली 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 का मतलब यहाँ पे मिलियन ऑफ ईयर्स लगते हैं, मिलियन ऑफ ईयर्स का प्रोसेस है, तो यहाँ पर मिलियन ऑफ ईयर्स में धीरे धीरे उसके ऊपर क्या होती है सॉइल डिपॉजिट हो जाती है, अब जितनी ज्यादा सॉइल डिपॉजिट होती जाएगी वो चीज जो वो कंटेंट जो है वो प्रेशराइज होता जाएगा, ठीक है, प्रेशर में आ जाएगा, प्रेशराइज होगा तो धीरे धीरे हाई टेम्परेचर क्रिएट होगा नीचे, क्योंकि जितना नीचे वो सॉइल में जाता जाएगा हाई टेम्परेचर क्रिएट होगा इन द एब्सेंस ऑफ एयर, इन द एब्सेंस ऑफ एयर, ये तीन कंडीशन है, हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर एंड इन द एब्सेंस ऑफ एयर, और वी कैन सी की इन द मिलियन ऑफ ईयर्स क्योंकि हाई प्रेशर क्रिएट हो रहा है एनारोबिक थर्मल डिग्रेडेशन होगा, एनारोबिक थर्मल डिग्रेडेशन, डिग्रेडेशन मतलब डिकम्पोजिशन, डिग्रेडेशन, ठीक है, यानी कहने का मतलब है कि जब वो सब्सटेंस जो कंटेंट है आपका वो प्रेशराइज हो रहा है तो अंडर हाई टेम्परेचर एंड इन द एब्सेंस ऑफ एयर, इन द एब्सेंस ऑफ एयर मतलब एनारोबिक, हाई टेम्परेचर मतलब थर्मल, और डिकम्पोजिशन होगा यानी इन द एब्सेंस ऑफ एयर वो धीरे धीरे डिकिंग होना शुरू हो जाएगा, ठीक है, एंड इट फॉर्म द पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, तो क्या बनता जाएगा आपका पेट्रोलियम और नेचुरल गैस दैट इज कलेक्टेड बिटवीन द इम्परवियस रॉक, सो दैट्स वाई इट इज कॉल्ड पेट्रोलियम एंड दिस लिक्विड इज कॉल्ड पेट्रोलियम, तो देखिए दोबारा समझा रही हूँ फॉर्मेशन ऑफ पेट्रोलियम कैसे हुआ, इन द सी समुद्र में जो ऑर्गेनिज्म डाई हो जाते हैं दे सेटल एट द बॉटम, बॉटम पर सेटल हो जाते हैं एंड स्लोली दे गेट कवर्ड बाय द सॉइल एंड सेंक डीपर एंड डीपर, धीरे धीरे दबते चले जाते हैं, तो हाई प्रेशराइज उन पर क्रिएट होगा हाई प्रेशर एंड थर्मल डिग्रेडेशन, वी कैन से एनारोबिक थर्मल डिग्रेडेशन स्टार्ट, यानी इन द कंडीशन ऑफ हाई टेम्परेचर एंड इन द एब्सेंस ऑफ एयर, इन दो कंडीशन यानी एनारोबिक थर्मल कहलाती है, एनारोबिक मतलब इन द एब्सेंस ऑफ एयर एंड थर्मल मतलब इन द प्रेजेंस ऑफ हाई टेम्परेचर दे स्टार्ट टू डिकिंग एंड धीरे धीरे उनका डिग्रेडेशन स्टार्ट होगा, धीरे धीरे उनका जो है डिकिंग प्रोसेस जो है स्टार्ट होता जाएगा एंड फाइनली ओवर मिलियन ऑफ ईयर्स दे कन्वर्ट इन टू द पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, ठीक है, तो दो चीजों में कन्वर्जन होगा, यहाँ पर दो चीजें बनेंगी इस कंडीशन के बाद, तो नेक्स्ट स्टेप में आएगा कि ओवर मिलियन ऑफ ईयर्स जो प्रोसेस चल रहा है तो इस प्रोसेस में आपकी दो चीजें बन जाएंगी पेट्रोलियम प्लस नेचुरल गैस, ठीक है, नेचुरल गैस, ये दो चीजें कलेक्ट होती है वहां पर एंड डीज आर कलेक्टेड बिटवीन द इम्परवियस रॉक, कहां पर कलेक्ट होंगी बिटवीन इम्परवियस रॉक, ठीक है, इम्परवियस रॉक के बीच में कलेक्ट हो जाएंगी, इम्परवियस रॉक जो इम्परवियस रॉक मैंने अभी आपको बताया विच डज नॉट अलाउ द फ्लो ऑफ वाटर एंड ऑयल, सो दीज आर द इम्परवियस रॉक, तो यहां पर ये दोनों चीजें कलेक्ट होती है, ऑब्वियसली पेट्रोलियम इज द लिक्विड, एक लिक्विड स्टेट में है और नेचुरल गैस ऑब्वियसली एक कौन सी स्टेट है, गैसियस स्टेट है, सो वी कैन से जब ये कलेक्शन होता है ड्यूरिंग कलेक्शन यहाँ पर, ठीक समझ रहे हैं, जब ये कलेक्शन होगा तो इस कलेक्शन में ऑयल की सबसे नीचे क्या रहेगा, वाटर की लेयर है, पानी होता है अंडरग्राउंड जमीन में, वाटर उसके ऊपर क्या रहेगा क्योंकि हमेशा ऑयल जो होता है पानी के ऊपर फ्लोट करता है, तो सबसे नीचे की लेयर वाटर की, उसके ऊपर क्या होगी ऑयल, और सबसे हल्की कौन है गैस, तो यानी जो ऑयल की लेयर होगी दैट इज कॉल्ड पेट्रोलियम और सबसे ऊपर की गैस लेयर होगी एनएच नेचुरल गैस, समझ में, जहां पर ये इम्परवियस रॉक के बीच में जब ये कलेक्शन होगा तो ऑब्वियसली वाटर तो है ही, क्योंकि इम्परवियस रॉक जो होती है डज नॉट अलाउ द वाटर, तो वाटर भी कलेक्ट हो रखा है और क्योंकि वहां पर क्या बन रहा है पेट्रोलियम बनता जा रहा है तो पेट्रोलियम भी कलेक्ट हो जाएगा, बट क्योंकि ऑयल हमेशा पानी पर फ्लोट करता है तो सबसे नीचे की लेयर में क्या रहेगा वाटर, उसके ऊपर क्या कलेक्शन हो जाएगा सेपरेट लेयर में ऑयल दैट इज कॉल्ड पेट्रोलियम और सबसे ऊपर गैस रहेगी दैट इज कॉल्ड द नेचुरल गैस, और जहां पर ये कलेक्शन प्रेजेंट होगा दिस कलेक्शन द प्लेस वेयर दिस टाइप ऑफ सब्सटेंसेज आर कलेक्टेड दिस इज कॉल्ड ऑयल वेल, ऑयल वेल कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं ये ऑयल वेल कहलाते हैं जहां पर ये कलेक्शन होता है, ठीक है, इन जगहों को हम ऑयल वेल कहते हैं, तो अब इनको जब निकालना होता है तो क्या करते हैं दो पाइप डालेंगे, ठीक है, एक पाइप इधर और एक पाइप इसके लिए, दो पाइप ड्रिल करते हैं मशीनों की मदद से होता है ये काम, तो इस पाइप से एक पाइप से नेचुरल गैस तक पहुंचाएंगे, एक को हम ऑयल तक पहुंचा देते हैं, ठीक है, दो पाइप ड्रिल किए जाते हैं तो उस ड्रिलिंग प्रोसेस से, ठीक है, तो क्या होगा नेचुरल गैस को ऊपर खींच लिया जाता है और फिर एक पाइप से ऑयल को खींच लिया जाता है, ठीक है, तो इस टाइप से दोनों जो सेपरेट हो जाते हैं ऑयल एंड नेचुरल गैस दोनों आपके सेपरेट हो जाते हैं, ठीक है, तो दोबारा एक बार रिपीट कर रही हूं मैं यहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ पेट्रोलियम कैसे होता है, सबसे पहली बात तो पेट्रोलियम का जो फॉर्मेशन होता है वो कहां पर होता है सी के अंदर, तो सी में जो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो डाई हो जाते हैं, देन दे कवर अप बाय दे सेटल एट द बॉटम देन कवर्ड बाय द सॉइल ओवर मिलियन ऑफ ईयर्स अंडर द हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर इन द एब्सेंस ऑफ एयर दे स्टार्ट टू डिग्रेड
So this is called anaerobic thermal degradation start, and they convert finally to the two substances that is called petroleum and natural gas. किसमें बदल जाते हैं? Petroleum and natural gas में. ठीक है, petroleum is the liquid content and the natural gas is the gaseous content. एक gaseous content है, and these collection, these type of two substances are collected between the impervious rock in the earth. Earth के अंदर कहां पर collect हो जाते हैं? Impervious rock, the rocks which does not allow anything. किसी भी चीज को अलाउ नहीं करती फ्लो. सो वाटर हो, ऑयल हो, गैस हो, किसी भी चीज को. सो वहां पर ये चीजें जो होती है कलेक्शन में बन जाती हैं, बहुत ज्यादा कलेक्ट हो जाती हैं. एंड दिस, क्योंकि यहाँ पर ऑयल बहुत ज्यादा, पेट्रोलियम बहुत ज्यादा कलेक्ट होता है, सो दिस इज कॉल्ड ऑयल वेल. क्या कहलाती है ये? ऑयल वेल कहलाती है. इस कलेक्शन में सबसे नीचे पानी रहता है, पानी से ऊपर क्या रहता है? ऑयल, क्योंकि ऑयल की डेंसिटी पानी से कम होती है, तो ऑयल पानी पर फ्लोट करता है, इसलिए पानी सबसे नीचे रहता है, देन ऑयल, और सबसे हल्की कौन होती है? गैस. और सबसे ऊपर किस सेक्शन में कौन सी कलेक्शन रहती है? नेचुरल गैस. ठीक है, तो इस टाइप का जो कलेक्शन जहां पर बहुत ज्यादा होता है, दैट इज कॉल्ड ऑयल वेल कहलाते हैं. तो ऑयल वेल से जो है पेट्रोलियम को निकाला जाता है, तो इसके लिए दो पाइप ड्रिल कर देते हैं. ये दो पाइप ड्रिल कर रहे हैं, ठीक है, देख रहे हैं आप, ये दो पाइप मैंने डाले हैं यहाँ पे एरो करते हुए. तो सबसे पहले एक पाइप से नेचुरल गैस निकालेंगे, दूसरे पाइप से ऑयल को खींच लिया जाता है ऊपर. ठीक है, तो ये दोनों चीजें ऑयल वेल की मदद से जो है सेपरेट कर ली जाती हैं. ठीक है, अब दूसरी बार देखेंगे, एक बार इसमें बुक में देखते जरा, मैं कुछ बता रही हूँ. यहाँ पर देखिए, इसने बता रखा है डायग्राम है, दैट इज द पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस डिपॉजिट का. तो इसने बताया कि ये हमारी अर्थ के अंदर इम्पर्वियस रॉक्स हैं. ठीक है, इम्पर्वियस रॉक्स हैं जहां पर, ये रिजर्वर रॉक्स हैं जहां पर, मतलब इम्पर्वियस रिजर्वर रॉक्स हैं, एक ही बात है, इम्पर्वियस रिजर्वर रॉक्स जहां पर ये चीजें कलेक्ट हैं. ठीक है, तो यहां पर क्या कलेक्ट है? सबसे नीचे पानी कलेक्ट होता है, कलेक्शन हो जाता है बहुत ज्यादा. क्यों? क्योंकि ये पानी किसी भी चीज को फ्लो नहीं करती है, इसकी खास बात है. तो सबसे नीचे की लेयर में वाटर रहता है, उससे ऊपर ऑयल की डेंसिटी होती है कम, तो वो ऑयल रहता है, और सबसे ऊपर क्या रहता है? गैस रहती है. तो इस टाइप से डिपोजिशन बन जाता है. ठीक है, कलेक्शन रहता है, और यहां पर अब इनको निकालना होता है, तो क्या करते हैं? वेल्स कहलाती है, जगह कुएं कहलाते हैं, जहां पर बहुत चीजें डिपॉजिट रहती है. ठीक है, और सबसे पहले इनको निकालने के लिए दो पाइप ड्रिल कर रहे हैं. देखिए, एक पाइप ये और एक पाइप ये ड्रिल किया हुआ है. तो सबसे पहले एक पाइप ड्रिल करते हैं, तो गैस को निकाल लिया जाता है, फिर दूसरी बार दूसरी पाइप से किसको खींचते हैं? ऑयल को खींचते हैं. इस टाइप से दोनों चीजें जो होती हैं सेपरेट हो जाती हैं. ठीक है, ये हो गया हमारा. इसके बाद द वर्ल्ड फर्स्ट ऑयल वेल वाज ड्रिल इन पेंसिल्वानिया यूएसए. देखिए, सबसे पहला जो ऑयल वेल है, सबसे पहला ऑयल वेल, तेल का कुआ जो जिसको बोलते हैं, ड्रिल किया गया पेंसिल्वानिया में यूएसए में इन 1859 में. उसके 1859 के 8 साल बाद 1867 में ऑयल वाज स्ट्रक इन एट मकूम इन आसाम. आसाम के अंदर कौन सा प्लेस है? मकूम. वहां पर 8 साल बाद तेल का कुआ मिला. ठीक है, वहां से ऑयल को निकाला गया. अब इसके बाद इंडिया में कहां कहां निकाला जाता है? इन इंडिया ऑयल इज फाउंड इन आसाम, आसाम में है, गुजरात, मुंबई हाई एंड इन द रिवर बेसिन ऑफ गोदावरी एंड कृष्णा. यहां पर हमें तेल के कुएं मिले हैं. यानी सबसे पहला ऑयल वेल ड्रिल किया गया हमारा यूएसए पेंसिल्वानिया में, तेल का कुआ की खोज की गई, जहां से पेट्रोलियम को निकाला गया. उसके बाद 8 साल बाद 1867 में तेल का कुआ कहां मिला? आसाम में. ठीक है, आसाम के मकूम में. और उसके बाद इंडिया में कई जगहों पर हैं, जैसे गुजरात, मुंबई हाई, रिवर बेसन और गोदावरी एंड कृष्णा तेल के कुएं मिले हैं. ठीक है, जहां से पेट्रोलियम और नेचुरल गैस को स्ट्रक किया जाता है. ठीक है, ये हो गई बात. अब इसके बाद जो पेट्रोलियम निकलता है, ठीक है, पेट्रोलियम, देखिए पेट्रोलियम जो है एक टाइप का क्रूड ऑयल कहलाता है, क्रूड ऑयल. ठीक है, पेट्रोलियम को हम क्रूड ऑयल क्यों कहते हैं? क्रूड मतलब मिक्सचर. इट मींस इट कंसिस्ट्स ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ लिक्विड. बहुत सारे लिक्विड हैं विच आर मिक्स इन जस्ट इन वन लिक्विड. यानी इट मींस इट इज अ कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ लिक्विड. बहुत सारे लिक्विड का मिक्सचर है. इट इज अ मिक्सचर ऑफ डिफरेंट लिक्विड्स. इट इज अ मिक्सचर ऑफ डिफरेंट लिक्विड्स. समझ रहे बात? इट इज अ मिक्सचर ऑफ डिफरेंट लिक्विड्स, जस्ट मिक्सड इन वन लिक्विड. ठीक है, देखिए पेट्रोलियम को क्रूड ऑयल कहते हैं. क्यों? क्योंकि इट इज अ मिक्सचर ऑफ डिफरेंट लिक्विड. बहुत सारे लिक्विड्स हैं जो कि एक ही लिक्विड में मिक्स हैं. सारे एक ही लिक्विड, सारे आपस में एक दूसरे से क्या होते हैं? मिक्स होते हैं और एक लिक्विड फॉर्म करते हैं. दैट इज कॉल्ड पेट्रोलियम. क्या कहलाता है ये? पेट्रोलियम. सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड क्रूड ऑयल. ठीक है, सो वी कैन नॉट यूज डायरेक्टली. तो हम इनको डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते, इसलिए जरूरी है. इस पेट्रोलियम को डायरेक्ट यूज नहीं किया जा सकता बिकॉज इट इज अ क्रूड. इट मीन्स बिकॉज इट इज अ मिक्सचर ऑफ सेवरल कॉम्पोनेंट्स, डिफरेंट टाइप के इसमें लिक्विड्स हैं विच आर मिक्स टूगेदर सो दैट इट दे फॉर्म द वन लिक्विड. आपस मिलकर एक ही सिर्फ एक लिक्विड बनाते हैं. तो हम जरूरी है कि उन सारे लिक्विड्स को, जितने भी इसके अंदर प्रेजेंट हैं, सब लिक्विड्स को क्या किया जाए? उसके कॉम्पोनेंट्स को सेपरेट किया जाए. ठीक है, तो अलग अलग लिक्विड्स को इससे सेपरेट किया जाता है. तो इसको सेपरेट करने के लिए, समझ रहे हैं बात?
तो यहाँ पर देखेंगे इट इज अ मिक्सचर ऑफ डिफरेंट लिक्विड मिक्स इन जस्ट वन लिक्विड, और वी कैन से जस्ट मिक्स टूगेदर, मिक्स इन वन लिक्विड और मिक्सड होते हैं आपस में, एक ही लिक्विड में सारे मिक्स होते हैं, तो हमें जरूरी है कि हम उनको आपस में सेपरेट करें. तो सेपरेट करने का काम, सेपरेशन करने का काम जो है, सेपरेशन किया जाता है, जब इनको सेपरेट किया जाता है दैट इज कॉल्ड रिफाइनिंग. क्या कहलाती है ये? रिफाइनिंग, क्लियर करने का. रिफाइनिंग का मतलब होता है क्लीन करना, समझ रहे बात? क्लीन करना, उस लिक्विड को आपको क्या करना है, क्लीन करना है, क्लीन करने का काम, दैट इज कॉल्ड रिफाइनिंग. ठीक है, रिफाइनिंग का काम जहां पर किया जाता है, अब देखिए एक तो हो गया ऑयल वेल, ऑयल वेल का मतलब अभी मैंने बताया ऑयल स्टक किया जाता है यहां से, वो तो हो गया ऑयल वेल. अब उस ऑयल को निकालने के बाद दूसरी जगहों पर भेजा जाता है, दूसरी फैक्ट्रियों में भेजा जाता है, जहां पर उसके डिफरेंट डिफरेंट कॉम्पोनेंट्स को सेपरेट किया जाता है, यानी जहां पर उस क्रूड ऑयल को रिफाइंड किया जाता है. क्रूड ऑयल का मतलब मैंने बताया कि एक ऐसा लिक्विड जिसमें बहुत सारे लिक्विड आपस में मिक्स होते हैं, इसीलिए हम उसको डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते. सो वी कैन से पेट्रोलियम इज नॉट डायरेक्टली यूज बिकॉज इट इज द कॉम्पोनेंट्स ऑफ द सेवरल लिक्विड्स. ठीक है, सेवरल लिक्विड का एक कॉम्पोनेंट होता है, एक मिक्सचर होता है दैट कैन नॉट बी यूज डायरेक्टली. सो इट इज नेसेसरी टू रिफाइन द पेट्रोलियम, इससे जरूरी है कि पेट्रोलियम को क्या कर सके, रिफाइन कर सके. एंड रिफाइनिंग मतलब क्लीनिंग कर सके, उसकी क्लीन कर सके, यानी इस प्रोसेस में उसके सारे कंपोनेंट्स होते हैं, जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं उन सबको क्या किया जाता है, सेपरेट किया जाता है. ठीक है, तो अब सेपरेट करने का काम क्या कहलाता है, दैट इज कॉल्ड सेपरेट करना, मतलब रिफाइनिंग करना, उसको क्लीन करना. ठीक है, और जहां पर ये काम किया जाता है, जिस फैक्ट्री में पेट्रोलियम को निकाला, ऑयल वेल से पेट्रोलियम निकाला और उसको भेज दिया. ठीक है, ऑयल वेल से पेट्रोलियम निकला और वहां भेज दिया, कहां भेजा है, जिस जगह पर भेजा जाता है वहां पर उसकी रिफाइनिंग की जाती है. एंड द प्लेस आर कॉल्ड रिफाइनरीज, वो प्लेस क्या कहलाती है, रिफाइनरीज. ठीक है, वो प्लेस जहां पर ये रिफाइनिंग का काम किया जाता है दैट इज कॉल्ड रिफाइनरीज कहलाती है. ठीक है, तो मथुरा ऑयल रिफाइनरी है आपके जामनगर में है. ठीक है, जामनगर में है एक बड़ी ऑयल रिफाइनरी है ये. ठीक है, इसमें हमारे जो है देखिए ठीक है, हाँ देखिए जामनगर की सबसे बड़ी रिफाइनरी है जामनगर में, गुजरात में जामनगर, तो सबसे बड़ी रिफाइनरी जामनगर में होती है, जामनगर में. ठीक है, ये जामनगर प्लेस है जहां पर, ये गुजरात में जहां पर ये रिफाइनरी सबसे बड़ी है, जहां पर पेट्रोलियम को रिफाइन किया जाता है. इसके अलावा मथुरा है, कोची रिफाइनरी, मुंबई रिफाइनरी है, बहुत सारी रिफाइनरीज अलग अलग बनाई गई है जहां पर पेट्रोलियम को रिफाइन किया जाता है, यानी उसके सारे लिक्विड्स जो है उसके अंदर जितने भी कॉम्पोनेंट्स है उन सबको सेपरेट किया जाता है. एंड द प्रोसेस दैट वॉज अप्लाइड इन दिस वर्क, और इस सेपरेशन करने में, ठीक है, इस काम को करने के लिए जिस प्रोसेस की एप्लीकेशन की जाती है, द प्रोसेस दैट वॉज अप्लाइड टू सेपरेट देयर कॉम्पोनेंट्स, ठीक है, द प्रोसेस दैट वॉज अप्लाइड टू सेपरेट देयर कॉम्पोनेंट्स, उस पेट्रोलियम के जितने भी कॉम्पोनेंट्स हैं उनको सबको सेपरेट करने के लिए जिस प्रोसेस का सहारा लिया जाता है, जिस प्रोसेस की मदद से लिया जाता है, दैट इज कॉल्ड फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, ठीक है, वो प्रोसेस क्या कहलाता है आपका, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन. तो कहने का मतलब है यहाँ पेट्रोलियम एक क्रूड ऑयल है, क्योंकि पेट्रोलियम के अंदर और भी सारे लिक्विड्स है, पेट्रोल डीजल केरोसिन ये सब मिक्स है. ठीक है, और उन सबको हमें बहुत ज्यादा जरूरी है, इसलिए इन सबको सेपरेट करना जरूरी है. एंड दिस क्लीनिंग, दिस प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग दैट इज कॉल्ड क्लीनिंग ऑफ द पेट्रोलियम एंड दैट इज ऑल्सो कॉल्ड रिफाइनिंग ऑफ द पेट्रोलियम. क्या कहलाता है ये, रिफाइनिंग. एंड दिस वर्क इज डन इन द सर्टेन प्लेसेस दैट आर कॉल्ड रिफाइनरी, जिन जगहों पर ये काम किया जाता है उनको रिफाइनरीज कहते हैं. एंड द जामनगर रिफाइनरी इज द बिगेस्ट रिफाइनरी, ठीक है, सबसे बड़ी रिफाइनरी मानी जाती है हमारी वर्ल्ड की, सबसे बड़ी रिफाइनरी है ये जामनगर में. और इसमें आपके जो प्रोसेस रिफाइनिंग में यानी क्लीनिंग करने का जो प्रोसेस अपनाया जाता है, समझ रहे, क्लीनिंग करने का जो प्रोसेस अपनाया जाता है दैट इज कॉल्ड फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, उस प्रोसेस का नाम होता है आपका फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन. ठीक है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की मदद से पेट्रोलियम के सारे कॉम्पोनेंट्स को सेपरेट किया जाता है. ठीक है, ताकि हम उसको अलग अलग उसके अकॉर्डिंगली क्या कर सकें, यूज कर सकें. ठीक है, तो अब इसमें क्या किया था, देखिए इसमें मैं इनका मीनिंग बता रही हूँ. फ्रैक्शन, फ्रैक्शन का मतलब होता है कॉलम, पार्टीशन. ठीक है, कॉलम मतलब पार्टीशन, पार्टीशन. और डिस्टिलेशन का मतलब होता है एक लिक्विड को वेपर्स में कन्वर्ट करना. ठीक है, लिक्विड को वेपर्स में कन्वर्ट करना और देन कूल द वेपर्स अगेन कन्वर्ट इनटू द लिक्विड.
देखो एक लिक्विड को वेपर्स में कन्वर्ट करना, वेपर्स को ठंडा करके फिर से लिक्विड में कन्वर्ट करना, दैट इज कॉल्ड डिस्टिलेशन. क्या कहलाता है ये? डिस्टिलेशन. सो दिस प्रोसेस इज अप्लाइड इन द रिफाइनरी. ये प्रोसेस अपनाया जाता है. तो यानी एक ऐसी, इसमें क्या किया जाता है कि जो आपका लिक्विड है पेट्रोलियम, देखिए यानी फ्रैक्शनल, इसमें इस प्रोसेस में फ्रैक्शंस बने होते हैं, अलग अलग फ्रैक्शंस बने हैं, अलग अलग टावर बने हुए हैं जिसमें अलग अलग लिक्विड को सेपरेट किया जाता है. किस बेस पर सेपरेट किया जाता है? यहाँ पर लिक्विड को पहले डिस्टिलेशन का मतलब होता है लिक्विड को वेपर्स में कन्वर्ट किया जाता है, और फिर वेपर्स को ठंडा करके, यहाँ पर वेपर्स को ठंडा करके कूल करके उसको दोबारा से लिक्विड में बदला जाता है. दैट इज कॉल्ड डिस्टिलेशन. दैट्स व्हाई द प्रोसेस इज कॉल्ड फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन. क्या कहलाता है? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन. बट दिस वर्क ऑन द प्रिंसिपल दैट प्रिंसिपल है यहाँ पर फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का जो प्रिंसिपल है, द प्रिंसिपल इज दैट ऑन विच द सेपरेशन ऑफ पेट्रोलियम, वी कैन से द रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम इज बेस्ड. द प्रिंसिपल इज दैट द डिफरेंस इन देयर बॉइलिंग पॉइंट, डिफरेंस इन देयर बॉइलिंग पॉइंट, समझ रहे? बॉइलिंग पॉइंट बीपी. यानी प्रिंसिपल यहां पर क्या है कि जो भी लिक्विड उसके अंदर मिक्स हैं उनके बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस होता है. यानी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ द, और इट इज बेस्ड ऑन द डिफरेंस इन देयर बॉइलिंग पॉइंट. उनके बॉइलिंग पॉइंट में बेस के आधार पर उनको सेपरेट किया जाता है. ठीक है, तो सबसे पहले देखिए क्या होता है. ये है आपकी फर्नेस है, ये स्टैक की फर्नेस है, भट्टी इसको बोलते हैं, और इसके अंदर पेट्रोलियम को पास करके इसको हीट किया जाता है. ठीक है, हीट करते हैं, गर्म करते हैं 400 डिग्री सेल्सियस पर. ठीक है, भट्टी है, इसके अंदर पेट्रोलियम को हीट करते हैं 400 डिग्री सेल्सियस पर. इसके बाद यहां से पेट्रोलियम हीट करते हैं, तो हीट करने के बाद एक फ्रैक्शन हीट करते हैं, वेपर्स बनेंगी. तो यहां पर एक टावर बना होता है ऐसे. ठीक है, अलग से इसमें चैम्बर्स बने हैं, देखिए इस तरह से पार्टीशंस बने होते हैं. ठीक है, इसमें अलग से टावर्स इसमें बने होते हैं, इस टाइप से इसमें फ्रैक्शनेटिंग कॉलम बने होते हैं. ये कंडेंसर लगे हुए, ये मान लीजिए कंडेंसर है, समझ रहे? जहां पर वेपर्स जाएंगी, ठंडी होंगी और फिर उनको सेपरेट कर लिया जाएगा. ठीक है, इस टाइप से फ्रैक्शनेटिंग कॉलम्स हैं, ये फ्रैक्शनेटिंग कॉलम इनको बोलते हैं. ठीक है, ऐसे फ्रैक्शनेटिंग कॉलम्स इसमें बने हुए हैं. तो क्या होता है, जैसे ही इसमें हीट किया जाता है, हीट करेंगे तो इसकी वेपर्स बनेंगी. तो हर लिक्विड का जितने, क्योंकि इट इज अ मिक्सचर ऑफ डिफरेंट लिक्विड्स. ठीक है, बहुत सारे लिक्विड का मिक्सचर है, बट इट कैन नॉट बी डायरेक्टली यूज, सो इट इज नेसेसरी टू सेपरेट द डिफरेंट लिक्विड्स. बट द प्रोसेस इज अप्लाइड, दैट इज कॉल्ड फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, एंड इट इज बेस्ड ऑन द डिफरेंस इन देयर बॉइलिंग पॉइंट. ये जो मेथड काम करता है, किस पर काम करता है? बॉइलिंग पॉइंट के डिफरेंस पर. हर लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट अलग है. ठीक है, 400 डिग्री सेल्सियस तक आपको हीट करना है, यानी सारे लिक्विड्स का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 400 तक ही है. तो इट मींस सबसे पहले वो जब वेपर्स बनती है, तो सबसे पहले देखिए, मान लीजिए मैं अगर आपको समझाऊं, तो मेरे पास एक लिक्विड है जिसके अंदर वाटर, ठीक है, और मैं कहूं एसीटोन, ये दो मिक्सचर है. ठीक है, दो लिक्विड का मिक्सचर है. ठीक है, वाटर एंड एसीटोन. ठीक है, तो यहां पर अगर मैं इन दोनों लिक्विड को सेपरेट करूं, तो इनका बॉइलिंग पॉइंट क्या है? इनके बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस है, बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस है. तो क्या करते हैं, तो अब देखिए, जब मैं इसको हीट करूंगी, वाटर का 100 होता है और इसका होता है 56. तो अगर मैं इसको हीट करूं, तो सबसे पहले किसकी वेपर्स बनेंगी बताओ? पहले जब टेम्परेचर गेन होगा, तो सबसे पहले 56 होगा या 100 होगा? ऑब्वियसली 56 होगा. तो पहले 56 वाला वेपर्स बनेगी, कंडेंस होगी, कूल हो जाएगी, उसको सेपरेट कर लेंगे. देन वाटर की वेपर्स बनेंगी, आप उसको कूल करके, ठंडा करके, फिर आप उसको गेन कर लेंगे. तो इस टाइप से आपके पास, सपोज मेरे पास ये ना हो और मैं कहूं एसीटोन और एल्कोहल, दो लिक्विड है, एसीटोन और एल्कोहल दो लिक्विड हैं, इनकी वेपर्स बनाएं, तो एसीटोन का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है 56 डिग्री सेल्सियस होता है, और इसका होता है 78 डिग्री सेल्सियस. ठीक है, इस टाइप. तो अगर मैं इन दोनों लिक्विड्स को सेपरेट करना है, तो मैं अप्लाई करूंगी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन. तो इसमें क्या करूंगी, सबसे पहले किसकी वेपर्स बनेंगी? ऑब्वियसली 56 की बनेंगी, क्योंकि 56 का टेम्परेचर कम है. तो जब आप इसको हीट करेंगे, जैसे आप इसको हीट करेंगे, तो सबसे पहले बॉइलिंग पॉइंट किसका आएगा? 56 का. इसकी वेपर्स बनेंगी, ये वेपर्स होकर कूल होकर कंडेंस हो जाएंगे, और देन एल्कोहल की वेपर्स आपको, फिर एल्कोहल वेपर्स बनेंगी और फिर वो कलेक्ट हो जाएंगी. तो इस टाइप से आप इनको सेपरेट कर सकते हैं. सेम प्रोसेस यहां पर है कि जब आप इसको हीट करते हैं, तो अलग अलग लिक्विड्स का अलग अलग बॉइलिंग पॉइंट है. तो सबसे पहले देखिए, इसमें सबसे नीचे का टेम्परेचर, इस जो ये कॉलम बना हुआ है, दैट इज कॉल्ड फ्रैक्शनेटिंग कॉलम कहलाता है. फ्रैक्शनेटिंग कॉलम कहते हैं, फ्रैक्शनेटिंग टावर कहते हैं. पार्टीशंस बने हुए हैं, फ्रैक्शंस बने हुए हैं अलग अलग. ठीक है, इसमें क्या होता है, सबसे पहले जिस लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम होता है, ठीक है, देखिए जिस ऑब्वियसली जिस लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम है, पहले उसी की वेपर्स बनेंगी, वो वेपर्स ऊपर जाएंगी. ठीक है, क्योंकि वेपर्स हल्की होती है, सबसे पहले वेपर्स ऊपर जाएंगी, वो वेपर्स अपने कंडेंसर में कंडेंस होगी एंड देन कन्वर्ट इनटू द लिक्विड फॉर्म में नीचे आ जाएंगी. ठीक है, फिर उससे ज्यादा जिसका बॉइलिंग पॉइंट होगा, उसकी वेपर्स बनना चालू होंगी. ठीक है, सपोज दैट यहाँ पर डिफरेंट लिक्विड्स हैं, जिसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम होता है, याद रखेंगे जिसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम है, उस लिक्विड की वेपर्स बनेंगी सबसे पहले, वो वेपर्स बनती जाएंगी और
अपने ऊपर जाके अपने अपने, क्योंकि देखिए यहाँ पर इसमें कॉलम में सबसे नीचे ऊपर सबसे कम टेम्परेचर वाला और सबसे नीचे ज्यादा टेम्परेचर वाला है, यानी इसका ऊपर की तरफ सेक्शन ठंडा है, नीचे की तरफ इसका सेक्शन गर्म है, यानी यहाँ पर टेम्परेचर ज्यादा है और यहाँ पर टेम्परेचर कम है। तो ऑब्वियसली कि जिस लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम है उसकी वेपर्स ऊपर जाएंगी, ठीक है, सबसे ऊपर जाएंगी और उसके बाद वो कंडेंस होके किसमें दोबारा से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएंगी और उसको हम सेपरेट कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद जिस लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट उससे ज्यादा होगा फिर उसकी वेपर्स बनेंगी, वो अपने कॉलम में आएंगी, कंडेंस होंगी, देन उसको आप सेपरेट करेंगे, यानी लिक्विड की वेपर्स बन रही है। आप देख रहे हैं लिक्विड की वेपर्स बनेंगी, यहाँ पर वेपर्स ऊपर जाके कूल हो रही हैं, फिर से वो लिक्विड में कन्वर्ट हो रही हैं, एंड देन आप उसको सेपरेट कर लेंगे। तो देखिए वेप लिक्विड इसके अंदर लिक्विड फिल किया हुआ है आपने, समझ रहे, इसके अंदर पेट्रोलियम लिक्विड है, लिक्विड की आप वेपर्स जब आप इसको गर्म करें तो लिक्विड की क्या बन रही है, वेपर्स, ठीक है। वेपर्स को आप ऊपर भेज के यहाँ कंडेंस करा रहे हैं, तो फिर से वो वेपर्स किसमें कन्वर्ट हो गई, वेपर्स को ऊपर भेज के आप कंडेंस करा रहे हैं, वो फिर से लिक्विड में चेंज हो गई, एंड दैट्स व्हाई दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डिस्टिलेशन। क्या कहलाता है, डिस्टिलेशन। देखिए पेट्रोलियम आपने लिया हुआ है फर्नेस में, पेट्रोलियम एक लिक्विड है, आप उसको हीट कर रहे हैं तो उसकी वेपर्स बना रहे हैं, लिक्विड से वेपर बन रही है, वेपर को आप अलग अलग कंडेंसर में पास कर रहे हैं जहां पर वो कूल हो जाएंगी, ठीक है, कूल होंगी, यानी वेपर्स कूल हो जाएंगी तो वो लिक्विड में चेंज हो जाएंगी, समझ रहे हैं बात, वेपर्स कूल होकर लिक्विड में चेंज हो जाएंगी, तो वेपर्स का दोबारा से लिक्विड में चेंज होना, सो दैट्स वाई दिस इज कॉल्ड अ डिस्टिलेशन। ये प्रोसेस क्या कहलाता है, डिस्टिलेशन। तो यहां पर जिस लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम है पहले उसकी वेपर्स ऊपर जाती है, ठीक है, सबसे ऊपर के सेक्शन में जाएंगी, उसके बाद वो कंडेंस होके सेपरेट हो जाएंगी, ये लिक्विड की फॉर्म में आ जाएंगी, उससे ज्यादा जिसका बॉइलिंग पॉइंट होगा फिर उसकी वेपर्स राइज होंगी, फिर अपने सेक्शन में जाएंगी जहां पर वो कंडेंस होंगी, देन दे कन्वर्ट इनटू द लिक्विड एंड देन सेपरेटेड, देन उससे ज्यादा जिसका बॉइलिंग पॉइंट होगा फिर उसकी बॉइलिंग पॉइंट के अकॉर्डिंगली वो वेपर्स जाएंगी, कंडेंस होंगी कंडेंसर में, देन दे कन्वर्ट इनटू द लिक्विड एंड सेपरेट, ठीक है। अब इस प्रोसेस में जिसका बॉइलिंग पॉइंट एक आध लिक्विड ऐसा भी होता है जिसका बॉइलिंग पॉइंट 400 से भी ज्यादा होता है, ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल इस प्रोसेस में यहां सबसे ऊपर आएगा एलपीजी, एलपीजी कलेक्ट होगी, ठीक है, लिक्विफाइड हो जाएगी पेट्रोलियम गैस, यहां पर पेट्रोलियम गैस जो है लिक्विड की फॉर्म में आ रही है, सो दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। इस प्रोसेस में आपके पास पेट्रोलियम गैस आ गई, पेट्रोलियम गैस है क्योंकि यहां से देखिए एलपीजी आप जानते हैं एलपीजी घर में सब घर में गैस के सिलेंडर यूज करते हैं, क्योंकि यहां पर वेपर्स बन रही है एलपीजी की, देन दे कंडेंस इनटू द कंडेंसर एंड दे कन्वर्ट इनटू द लिक्विड, लिक्विड फॉर्म में कलेक्ट हो गई, दैट्स व्हाई द गैस इज कॉल्ड लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। एलपीजी की फुल फॉर्म क्या होती है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। अब यहां पर जिस लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट उससे ज्यादा है, वेपर्स गई कंडेंसर हो गए, कंडेंसर में कंडेंस होंगी, देन दे कन्वर्ट इनटू द लिक्विड एंड देन कलेक्टेड, तो एलपीजी के बाद आता है यहां पर पेट्रोल, पेट्रोल कलेक्ट होगा, एलपीजी देन पेट्रोल। तो इस टाइप से यहां पर अब देखिए सबसे लास्ट में ये सारे लिक्विड्स कलेक्ट होते जाएंगे ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंस इन देयर बॉइलिंग पॉइंट, और लास्ट में एक लिक्विड ऐसा भी होगा जो बहुत ज्यादा हाईली डेंस होगा जिसकी वेपर्स नहीं बनेंगी, इट मींस कि उसका बॉइलिंग पॉइंट 400 से ज्यादा है, 400 से ज्यादा वेपर्स टेम्परेचर होने की वजह से उसका बॉइलिंग पॉइंट 400 से ज्यादा होने की वजह से वो वेपर्स में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा, सो दे रिमेन इन द टावर, टावर में अलग से रह जाएगा एज रेसिड्यू, रेसिड्यू की फॉर्म में, देन दे यूज सेपरेट, आप उसको क्या कर सकते हैं सेपरेट, जो नीचे रेसिड्यू बच जाएगा आप उसको क्या कर देंगे सेपरेट कर देंगे, दैट इज कॉल्ड बिटुमिन। क्या कहलाएगा ये, बिटुमिन, ठीक है, सब्सटेंस को हम क्या कहते हैं बिटुमिन, बिकॉज इट हैज अ मोर बॉइलिंग पॉइंट इज अ 400 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, 400 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा इसका जो है बॉइलिंग पॉइंट होता है, और हाईली डेंस लिक्विड है तो उसकी वेपर्स कंडेंस नहीं होती, सो वो नीचे ही रह जाती है, ठीक है, बाकी उससे जितने भी लिक्विड्स होते हैं उन सब वेपर्स में वेपराइज हो जाते हैं। तो देखेंगे हमने क्या किया, दोबारा से समझा रही हूँ, ये एक आपका फर्नेस है जिसके अंदर आपने पेट्रोलियम को हीट किया है 400 डिग्री सेल्सियस पर, ठीक है, आप एक लिक्विड को, डिस्टिलेशन का मतलब क्या होता है, एक लिक्विड को हीट करेंगे, लिक्विड को हीट करके किसमें कन्वर्ट करना, वेपर्स में, एंड देन वेपर्स को कूल करेंगे कंडेंसर में, हीटिंग करने का काम कहाँ चलेगा, फर्नेस में चलेगा, कूल करने का काम कहाँ चलेगा, कंडेंसर में चलेगा, ठीक है, और कूल करके दोबारा से वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा लिक्विड में, एंड द होल प्रोसेस इज कॉल्ड, दैट इज कॉल्ड डिस्टिलेशन, ठीक है, एंड डिस्टिलेशन कहलाता है। किस लिक्विड की वेपर्स पहले बनेंगी, किसकी बाद बनेंगी, इट इज बेस्ड ऑन द डिफरेंस इन देयर बॉइलिंग पॉइंट। तो जब आप इसको फर्नेस में हीट कर रहे हैं, यहां पर पेट्रोलियम है, इसमें पेट्रोलियम जब आप हीट करेंगे, ठीक है, तो इसकी जो वेपर्स बनेंगी इसके लिए एक टावर अलग से क्रिएट किया गया है, दैट इज कॉल्ड फ्रैक्शनेटिंग टावर, इसमें अलग अलग कंडेंसर बने हुए हैं अलग अलग हाइट पर, ठीक है, इसे कल
अब जिस लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम होता है, सबसे ऊपर का यहाँ पर टेम्परेचर, इस टावर में सबसे ऊपर कम टेम्परेचर, सबसे नीचे ज्यादा टेम्परेचर रखा जाता है, तो जिस लिक्विड की बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम होती है उसी की वेपर सबसे पहले ऊपर जाती है, कंडेंस हो जाती है, कंडेंसर का मतलब वो वेपर्स लिक्विड में चेंज हो जाती है, देन दे सेपरेट आउट। ठीक है, सेपरेट कर लेते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले आती है एलपीजी। एलपीजी की फुल फॉर्म यहाँ देखेंगे, व्हाट इज एलपीजी, दैट इज कॉल्ड लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। एलपीजी दैट इज कॉल्ड लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस कहलाती है। ठीक है, ये लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस कहलाती है क्योंकि पेट्रोलियम गैस है, पेट्रोलियम से बन रही है, गैस की फॉर्म में है। ठीक है, इसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम होता है, बहुत ज्यादा कम होता है। तो पेट्रोलियम, इसको पेट्रोलियम गैस क्यों कहते हैं, सबसे पहली बात तो देखेंगे पेट्रोलियम गैस क्यों है, क्योंकि यहां पर पेट्रोलियम से बनने वाली है, ये पेट्रोलियम से निकली है, समझ रहे, पेट्रोलियम से बनाई गई है, गैस की फॉर्म में है। दूसरी बार लिक्विफाइड है क्योंकि इसको लिक्विड में कन्वर्ट किया गया है। देखेंगे पेट्रोलियम से गैस की फॉर्म में वेपर्स निकलती हैं जिसका बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम होता है, तो फिर ये ऊपर जाकर इनको हम सबसे ऊपर सेक्शन में जाती हैं जहां पर इसको कूल कर दिया जाता है। कूल करके वो किस में चेंज हो जाती है, लिक्विड में चेंज हो जाती है, इसलिए इसको कहते हैं लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस कहलाती है। क्या कहलाती है, ये लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, क्योंकि यहां से जो वेपर्स निकलती हैं उसको कंडेंसर में कूल करके उसको हम किस में चेंज कर लेते हैं, लिक्विड में, इसलिए इस गैस का नाम दे दिया गया लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, दैट इज यूज इन एलपीजी सिलेंडर्स, आपके घर के सिलेंडर में डोमेस्टिक पर्पज में यूज की जाती है। ठीक है, एंड इट इज अ हायर क्लीनर फ्यूल है, बहुत ज्यादा क्लीनर फ्यूल है, इट डज नॉट लीव एनी ऐश, इस पूरा सिलेंडर खाली हो जाएगा, नीचे कोई ऐश नहीं बचती, कोई पॉल्यूशन क्रिएट नहीं होता, सो इट इज कंसीडर्ड एज अ वेरी गुड क्वालिटी ऑफ द फ्यूल, इसमें कंसिडर किया जाता है। आगे डिटेल में पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। ठीक है, आगे देखते हैं, इसके बाद उससे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट जिसका होता है फिर वो लिक्विड कलेक्ट होता है, उसकी वेपर्स बनती है, देन दे कंडेंस इन द, सबसे पहले यहाँ जो उससे ज्यादा लिक्विड का जिसका बॉइलिंग पॉइंट होगा उसकी वेपर्स में बनेंगी, वेपर्स वो ऊपर जाकर कलेक्ट हो जाएंगी कूल होके, एंड देन दिस इज कॉल्ड पेट्रोल। क्या कहलाएगा, पेट्रोल, पेट्रोल इट इज ऑल्सो कॉल्ड गैसोलीन, यहाँ पे कलेक्ट हो गया। ठीक है, इसके बाद आपका आता है पेट्रोल के बाद आता है केरोसिन, यहां से जिसका फिर बॉइलिंग पॉइंट उससे ज्यादा होगा फिर उसकी वेपर्स बनेंगे, देन कंडेंसर, या फिर कंडेंसर लगे हुए हैं, इन्हें कंडेंसर कहते हैं, कंडेंसर में क्या होंगी, कूल होंगी, कूल होने के बाद यहां से हीट हो रहा है, वेपर्स बन रही है लिक्विड में, लिक्विड फिर से कूल होकर कंडेंसर में लिक्विड में बना रही है, लिक्विड बन रही है, यहां पर लिक्विड में फॉर्म हो रही है। ठीक है, यहां पर आ जाएगा केरोसिन, केरोसिन एलपीजी, पेट्रोल, केरोसिन। इसके बाद यहां पर आएगा आपका डीजल, फिर उससे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट आ जाएगा डीजल। डीजल आप जानते हैं ज्यादातर हैवी व्हीकल्स में यूज किया जाता है, ट्रक वगैरह में। ठीक है, डीजल आ जाएगा यहाँ पर, डीजल, इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है तो इसकी वेपर्स बाद में बनेंगी ओब्वियसली, तो उसकी फिर कूल होके वो अलग कलेक्ट हो जाएगी। इसके बाद आता है आपका ल्यूब्रिकेटिंग ऑयल। ठीक है, ल्यूब्रिकेटिंग ऑयल कलेक्ट होगा, ल्यूब्रिकेशन में काम आता है, जैसे ग्रीस वगैरह होती है, जब ग्रीस वगैरह लगाते हैं तो वो बनाते हैं ल्यूब्रिकेटिंग, ल्यूब्रिकेटिंग ऑयल, जो फ्रिक्शन को रिड्यूस करते हैं, ऐसे ग्रीस ऑयल वगैरह होते हैं ना, ये सारे आते हैं, तो ल्यूब्रिकेटिंग ऑयल बनाते हैं। इनका बॉइलिंग पॉइंट थोड़ा ज्यादा होता है क्योंकि थोड़ा डेंस ज्यादा होते हैं, बहुत ज्यादा डेंस होते हैं, तो इनका बॉइलिंग पॉइंट भी, ये डेंस लिक्विड होते हैं तो इनका बॉइलिंग पॉइंट भी बहुत ज्यादा ज्यादा होता है। इसके बाद आता है पैराफिन वैक्स, ये और भी ज्यादा डेंस होता है, तो यहाँ पर कलेक्ट होता है पैराफिन वैक्स, मोमबत्ती वगैरह बनाने में, ऑइंटमेंट्स, स्किन पर जो क्रीम लगाई जाती है उनको बनाने में यूज किया जाता है पैराफिन वैक्स। ठीक है, तो ये आपके उसका क्योंकि डेंस होता है लिक्विड, इसलिए इसका बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा होता है। और लास्ट में एक ऐसा लिक्विड रह जाता है जिसका बॉइलिंग पॉइंट तो 400 से भी ज्यादा होता है। ठीक है, 400 से ज्यादा होने की वजह से ऑब्वियसली उसकी वेपर्स में कन्वर्ट नहीं होता, देन दे रिमेन एज ए रेसिड्यू, रेसिड्यू की फॉर्म में नीचे टावर में ही रह जाता है, देन दिस इज कॉल्ड बिटुमिन, बिटुमिन कहलाता है। इट इज अ पेट्रोलियम प्रोडक्ट, एक इम्पॉर्टेंट पेट्रोलियम प्रोडक्ट है, दैट इज यूज फॉर सर्फेसिंग ऑफ रोड, रोड की सर्फेसिंग करने में काम आता है, जैसे कोल तार होता है, टेरी मटेरियल बहुत ज्यादा डेंस और चिपचिपा सा सब्सटेंस होता है जिसको हम सड़क को सर्फेस करते हैं, रोड की सर्फेसिंग करते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से एक और नया पेट्रोलियम प्रोडक्ट है, दैट इज कॉल्ड बिटुमिन, जस्ट लाइक द कोल तार, कोल तार के जो होता है, टेरी काफी टेरी है, हाईली डेंस होता है, इसका बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा होता है, एंड इट इज यूज फॉर सर्फेसिंग ऑफ रोड, रोड की सर्फेसिंग में काम आता है ये भी। ठीक है, तो ये हमारे सारे फ्रैक्शंस अलग हो गए ऑन द बेसिस ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। जिस लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम है, सबसे पहले वो लिक्विफाइड होता है, यानी उसको हम वेपर को कंडेंस कर देते हैं एलपीजी, उससे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट आता है पेट्रोल का, देन दे कन्वर्ट। ठीक है, पेट्रोलियम को हाईली रिफाइंड, बहुत ज्यादा अगर रिफाइंड कर लेते हैं तो वो जेट एयरक्राफ्ट वगैरह में यूज किया जा सकता है ऑयल पेट्रोल। ठीक है, पेट्रोलियम को थोड़ा ज्यादा रिफाइंड करके आप एविएशन फ्यूल बन जाता है वो, जिसको हम एयरक्राफ्ट में यूज कर सकते हैं, बहुत ज्यादा रिफाइंड होता है। उसके बाद आपके उससे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट केरोसिन में आ जाता है, केरोसिन की वेपर जब बनती है तो कंडेंस होकर ओके उसको लिक्विड में कन्वर्ट करा देते हैं, देन डीजल, देन ल्यूब्रिकेटिंग ऑयल, फिर उससे ज्यादा डेंस होता है पैराफिन वैक्स।
ठीक है। और सबसे ज्यादा डेंस होता है बिटुमिन, बिटुमिन का बॉइलिंग पॉइंट तो 400 से ज्यादा होता है, जिसके कारण की वेपर्स में वो राइज नहीं पाता है एंड रिमेन इन द टावर एट द बॉटम ऑफ द टावर। तो टावर का जो बॉटम होता है वहीं पर रह जाता है एंड देन सेपरेटली उसको हटा दिया जाता है, ठीक है। एंड दिस इज द बिटुमिन, इट इज द इम्पॉर्टेंट पेट्रोलियम प्रोडक्ट दैट इज यूज फॉर रोड सर्फेसिंग में काम आता है। इट इज जस्ट लाइक द कोल तार, कोल तार की तरह ही है। इट इज अ वेरी टैडी मटेरियल, वेरी टैडी और वेरी विस्कस लिक्विड एंड ब्लैक इन कलर, सो इट इज यूज इन द सर्फेसिंग ऑफ द रोड, रोड की सर्फेसिंग में काम आता है, एक बात हुई ये, ठीक है। तो आपके हो गए ऑल दीज आर द पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, ये हमारे सारे पेट्रोलियम प्रोडक्ट हैं। एक बार जरा मैं देख बता देती हूँ क्या क्या इनके यूजेस हैं। तो दीज आर द हमारे पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स। सो इस टाइप से क्योंकि आप देख रहे हैं एलपीजी, पेट्रोल, केरोसिन, डीजल, लुब्रिकेटिंग ऑयल, पैराफिन वैक्स और बिटुमिन, ऑल दीज आर इम्पोर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स, ठीक है, बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स है। एंड दीज आर जस्ट मिक्सड, ये सारे मिक्स थे एक लिक्विड में, सो दैट्स व्हाई पेट्रोलियम इज कॉल्ड द क्रूड ऑयल। इसलिए कहलाते हैं इसको क्रूड ऑयल, और इसलिए हमने उसकी रिफाइनिंग करी। यहाँ पे जो प्रोसेस किया गया सारा अलग अलग कर दिया, लिक्विड में सारी चीजें अलग कर दी, ठीक है। सो दैट इज कॉल्ड रिफाइनिंग, ये क्या हुआ रिफाइनिंग, एंड दिस प्रोसेस इज डन इन रिफाइनरीज, जहां पर ये काम किया जाता है वो जगह क्या कहलाती है रिफाइनरीज कहलाती है, क्या कहलाती है रिफाइनरीज, ठीक है। दूसरी बात, इस जहां पर रिफाइनरीज में ये प्रोसेस अपनाया जाता है, इस प्रोसेस का नाम क्या है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। ये काम क्या हो रहा है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, फ्रैक्शनल का मतलब अलग अलग फ्रैक्शन में अलग अलग लिक्विड को कलेक्ट किया जाता है, ठीक है। दूसरी बात, डिस्टिलेशन का मतलब लिक्विड्स को पहले हीट करके एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर हीट करके उसे वेपर्स बनाई जाती हैं और फिर वेपर्स को कूल करके उसको फिर से लिक्विड में कन्वर्ट कर दिया जाता है, दैट्स वाई दिस इज कॉल्ड द फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। ये रिफाइनरीज में ये प्रोसेस अपनाया जाता है, दिस इज कॉल्ड फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन बिकॉज द फ्रैक्शंस आर बिकॉज इन द सेपरेट फ्रैक्शन डिफरेंट लिक्विड्स आर कलेक्टेड, क्योंकि अलग अलग फ्रैक्शन में अलग अलग लिक्विड को सेपरेट कर लिया जाता है। एंड द डिस्टिलेशन इज कॉल्ड बिकॉज द लिक्विड इज कन्वर्ट इन टू वेपर फर्स्ट एंड देन वेपर्स करने कूल एंड दे कन्वर्ट इन टू द लिक्विड अगेन, ठीक है। उस वेपर्स को ठंडा करके दोबारा से लिक्विड में हम कन्वर्ट कर देते हैं, एंड दिस कंसेप्ट इज कॉल्ड डिस्टिलेशन, और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं डिस्टिलेशन कहते हैं, समझे बात। तो ये प्रोसेस एक बात हुई। अब हम देखते हैं कौन कौन से हमारे पॉइंट्स इसमें आते हैं, इधर देखेंगे इसमें आपके हैं एलपीजी, एलपीजी सबसे पहले वेरियस फ्रैक्शंस हैं पेट्रोलियम के, कौन कौन से हमारे पास पेट्रोलियम के प्रोडक्ट्स हुए एलपीजी, दीज आर द वेरियस फ्रैक्शंस ऑफ पेट्रोलियम। एलपीजी सबसे पहले ऊपर, सबसे क्योंकि इसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम है, सबसे ऊपर के चैम्बर में कलेक्ट होता है। इट इज अ फ्यूल फॉर होम एंड इंडस्ट्री, होम और इंडस्ट्री में यूज करने वाला बेटर फ्यूल है। इंडस्ट्री में वो हीटिंग पर्पज के लिए किया जाता है, आप डोमेस्टिक पर्पज के लिए भी यूज करते हैं, एंड इट इज अ बेटर फ्यूल, इट इज अ गुड क्वालिटी ऑफ फ्यूल बिकॉज इट इज हाई कैलोरीफिक वैल्यू, इसकी कैलोरीफिक वैल्यू बहुत ज्यादा होती है, बहुत ज्यादा मात्रा में हीट प्रोड्यूस करता है एंड डज नॉट लीव एनी ऐश आफ्टर बर्निंग, पूरा सिलेंडर खाली हो जाएगा, कोई ऐश उसमें नहीं बचेगी। दूसरी बार, इट डज नॉट कॉज एनी काइंड ऑफ पॉल्यूशन, इससे कोई पॉल्यूशन क्रिएट नहीं होता। सेकेंड पॉइंट देखते हैं कि आपके पास नेक्स्ट आता है पेट्रोल, सेकेंड कॉम्पोनेंट, सेकेंड कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द पेट्रोलियम इज पेट्रोल, जो कि जस्ट कलेक्टेड आफ्टर द एलपीजी। तो पेट्रोल इट इज अ मोटर फ्यूल, आप जानते हैं कार स्कूटी इन सब में ये यूज करते हैं, एविएशन फ्यूल कहलाता है, इसको एविएशन फ्यूल की तरह यूज करते हैं, जो आपके जेट फ्यूल भी कहते हैं इसको, जेट फ्यूल भी कहलाता है, एविएशन फ्यूल मतलब जेट फ्यूल, क्यों, क्योंकि बहुत ज्यादा हाईली रिफाइंड होता है। जब हम पेट्रोल को बहुत ज्यादा रिफाइंड कंडीशन में डाल दे देते हैं, रिफाइंड कर देते हैं पेट्रोलियम को, जो ज्यादा शुद्ध कर देते हैं, तब हम उसको जेट एयरक्राफ्ट में यूज कर सकते हैं। सो दैट्स वाई हाईली रिफाइंड कंडीशन ऑफ पेट्रोलियम इट इज यूज, हाईली रिफाइंड कंडीशन ऑफ पेट्रोलियम मतलब पेट्रोल को, सॉरी हाईली रिफाइंड कंडीशन ऑफ पेट्रोल, पेट्रोल को बहुत ज्यादा रिफाइंड करके, बहुत ज्यादा प्यूरिफाई करके, दिस कैन बी यूज एज अ एविएशन फ्यूल, सो इट कैन बी यूज एज अ जेट फ्यूल, ठीक है। जेट फ्यूल, जेट एयरक्राफ्ट जो होते हैं उनमें यूज किया जा सकता है, एंड एक्ट एज ए सॉल्वेंट फॉर ड्राई क्लीनिंग, ड्राई क्लीनिंग में भी इसका काम किया जाता है। केरोसिन, केरोसिन आप जानते हैं जो चाय बनाने वाले होते हैं मिट्टी का तेल वगैरह यूज करते हैं, इट इज यूज फॉर स्टोव, लैम्प एक्सेट्रा एंड फॉर जेट एयरक्राफ्ट, इसको भी जेट एयरक्राफ्ट में यूज कर सकते हैं हाईली रिफाइंड कंडीशन में। याद रखना पेट्रोल केरोसिन ये दोनों ही ऐसे फ्यूल हैं जिनको हम रिफाइंड कंडीशन में अगर ले जाते हैं तो हम जेट एयरक्राफ्ट में इनको यूज कर सकते हैं। तो केरोसिन इज ऑल्सो यूज इन द जेट एयरक्राफ्ट, सो पेट्रोल एंड केरोसिन आर ऑल्सो कॉल्ड जेट फ्यूल, ये जेट फ्यूल कहलाते हैं बिकॉज वेन दे आर रिफाइंड, वेन दे हाईली रिफाइंड, जब उनको हाईली रिफाइंड कर देते हैं दे कैन बी यूज इन द जेट एयरक्राफ्ट, ठीक है। अगर हम उसको रिफाइंड नहीं करते हैं सो दे कैन बी यूज स्टोव एंड लैम्प वगैरह में यूज करते हैं, लेकिन अगर हम उनको रिफाइंड कर देते हैं दे कैन बी यूज एट जेट एयरक्राफ्ट, सो दे आर कॉल्ड जेट फ्यूल, इनको हम जेट फ्यूल कहते हैं। डीजल की बात करते हैं, अब डीजल की बात करते हैं तो डीजल आप जानते हैं हैवी मोटर व्हीकल्स में यूज होता है, आपकी ट्रक वगैरह में, बसेस में, यूज एज फ्यूल फॉर हैवी मोटर व्हीकल लाइक ट्रक एक्सेट्रा, ठीक है। एंड इलेक्ट्रिक जनरेटर, जनरेटर में भी हम डीजल का यूज किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है ल्यूब्रिकेटिंग ऑयल, ल्यूब्रिकेशन में जैसे ग्रीस होती है, ल्यूब्रिकेशन में ग्रीस आती है, जैसे आप देख रहे हैं जैसे आपके
जो रिक्शा वगैरह होते हैं उनके पहियों में, उनको फ्रिक्शन को रिड्यूस करने के लिए जिस ऑयल का यूज किया था, दैट इज कॉल्ड ल्यूब्रिकेटिंग ऑयल कहलाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है पैराफिन वैक्स। पैराफिन वैक्स जनरली कैंडल वगैरह बनाने में काम आती है, इसके अलावा ऑइंटमेंट्स बनाई जाती है, वैसलीन में यूज होती है। वैसलीन का इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट है पैराफिन वैक्स। ऑइंटमेंट जो स्किन पर लगाने के लिए क्रीम आती है, स्किन क्रीम जो होती है, उन समय ये पैराफिन वैक्स ऑइंटमेंट्स की तरह पैराफिन वैक्स इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट होता है यहाँ पर। नेक्स्ट है बिटुमिन। बिटुमिन मैंने अभी आपको बताया कि जब आप फ्रैक्शन डिस्टिलेशन करते हैं तो ये जो आपके ल्यूब्रिकेटिंग ऑयल, पैराफिन वैक्स और बिटुमिन, ये ऐसे तीन कॉन्स्टिटेंट होते हैं इनका बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होता है। ल्यूब्रिकेटिंग ऑयल, पैराफिन वैक्स का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 400 के आसपास ही होता है, 350 से अब होता है। लेकिन अगर मैं बिटुमिन की बात करूं तो बिटुमिन का तो बॉइलिंग पॉइंट तो 400 से भी ज्यादा होता है, जिसकी वजह से, और ये हाईली डेंस लिक्विड है, ठीक है, हाईली डेंस होने की वजह से इसका वेपर्स में कन्वर्जन नहीं होता, तो इट रिमेन्स इन द एट द बॉटम ऑफ द टावर, ये टावर के बॉटम में रह जाता है क्योंकि इसका बॉइलिंग पॉइंट 400 से ज्यादा होता है। एंड इट इज हाईली विस्कोस लिक्विड, सो इट डज नॉट वेपराइज, सो इट इज कलेक्टेड द बॉटम ऑफ द टावर, ठीक है। एंड इट कैन बी सेपरेटेड सेपरेटली, उसको हम सेपरेट कर सकते हैं सेपरेटली। एंड इट इज यूज एज अ पेंट, पेंट के फॉर्म में, रोड सर्फेसिंग में, इन सब में काम आता है। सो दीज आर द सम इम्पॉर्टेंट यूजेज ऑफ द फ्रैक्शंस ऑफ द पेट्रोलियम। आई होप सो यू विल अंडरस्टैंड द कंसेप्ट, ठीक है, ये आपके हो गए। इसके बाद नेक्स्ट आता है रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम, मैंने आपको क्लियर कर दिए। अब इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट एक बार पढ़ लेते हैं पेट्रोलियम क्या है। मैंने अभी आपको समझा रखा पेट्रोलियम क्या होता है। यू नो दैट पेट्रोलियम इज ऑल्सो यूज एज अ फ्यूल इन लाइट ऑटोमोबाइल्स सच एज मोटर व्हीकल्स, स्कूटर, कार एंड हैवी मोटर व्हीकल्स लाइक ट्रक, ट्रैक्टर रन ऑन डीजल। ये आपने देखा होगा पेट्रोल एंड डीजल आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचुरल रिसोर्स कॉल्ड पेट्रोलियम। हम जो पेट्रोल, डीजल ये सब यूज करते हैं, आप जानते हैं गाड़ी और उनमें ट्रक सब कुछ पेट्रोल और डीजल पर बेस होता है, उसी से चलती है। एंड दीज आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द नेचुरल रिसोर्स, दिस इज कॉल्ड फॉसिल फ्यूल, दैट इज कॉल्ड पेट्रोलियम। ये सब हमें किससे मिलते हैं? फॉसिल फ्यूल से मिलते हैं, पेट्रोलियम से मिलते हैं, ठीक है। डू यू नो हाउ पेट्रोलियम इज फॉर्म? पेट्रोलियम हमें कैसे बनता है? पेट्रोलियम वाज फॉर्म फ्रॉम द ऑर्गेनिज्म लिविंग इन द सी। मैंने अभी आपको बताया पेट्रोलियम किससे बनता है, उन ऑर्गेनिज्म से जो समुद्र के अंदर है। एज इज ऑर्गेनिज्म डाई, जैसे ही डाई हो जाते हैं, देयर बॉडी सेटल एट द बॉटम ऑफ द सी, सी पर चली जाती है एंड गॉट कवर्ड विद अ लेयर ऑफ सैंड एंड क्ले, कवर हो जाती है सैंड और क्ले से, ठीक है। ओवर मिलियन ऑफ ईयर धीरे धीरे डिपोजिशन हो जाता है सैंड का एंड एब्सेंस ऑफ एयर कंडीशन क्रिएट होती है, हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर, इन कंडीशन की वजह से, ठीक है, इट ट्रांसफॉर्म द डेड ऑर्गेनिज्म इनटू पेट्रोलियम और नेचुरल गैस। और धीरे धीरे मिलियन ऑफ ईयर्स में दो चीजें कंपोनेंट्स बन जाते हैं वहां पर, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, विच आर कलेक्टेड बिटवीन द इम्परवियस रॉक। जो चीजें ये बनती हैं ये कहां पर कलेक्ट हो जाती है? इम्परवियस रॉक्स में। दीज आर द रॉक्स विच डज नॉट अलाउ एनीथिंग जो कि टू फ्लो, कि हाँ जो फ्लोइंग है, फ्लोइंग कंडीशन उसको रेसिस्ट करती हैं, तो ऑयल और गैस वहां पर कलेक्ट हो जाते हैं नीचे सबसे पहले, क्योंकि यहां पर वाटर रहता है, वाटर के ऊपर ऑयल और फिर उसके ऊपर गैस कलेक्ट हो जाती है। एंड सच टाइप ऑफ प्लेसेज आर कॉल्ड ऑयल वेल, ये जहां पर ये कलेक्शन बहुत ज्यादा होता है दीज आर कॉल्ड ऑयल वेल्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? ऑयल वेल। इसको निकालने के लिए एक दो पाइप ड्रिल करते हैं, जिससे एक से गैस को, नेचुरल गैस कहलाती है ये, और दूसरे से पाइप से हम ऑयल को स्ट्रक कर लेते हैं, ठीक है। सो लुक एट द फिगर 5.4 शोज दैट द डिपोजिट ऑफ द पेट्रोलियम और नेचुरल गैस। ये शो कर रहा है डायग्राम कि आपके पेट्रोलियम और नेचुरल गैस के कैसे डिपोजिट्स हैं, रिजर्व्स कैसे हैं। दीज आर द रिजर्व्स, क्या कहलाते हैं? रिजर्व पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस रिजर्व्स हैं ये, जहां पर पेट्रोलियम और नेचुरल गैस बहुत ज्यादा क्वांटिटी में मिलता है। यू सी दैट अ लेयर कंटेनिंग पेट्रोलियम एंड ऑयल गैस इज अबव द वाटर। हमने क्या देखा इस डायग्राम में कि लेयर बनी हुई है, एक लेयर, दो लेयर, नीचे सबसे लेयर वाटर, उसके ऊपर ऑयल, उसके ऊपर गैस, बिकॉज द गैस इज लाइटर देन ऑयल एंड ऑयल इज लाइटर देन वाटर, सो वी कैन से ऑयल फ्लोट ऑन द वाटर। वाई यू सी दैट लेयर कंटेनिंग पेट्रोलियम ऑयल एंड गैस इज अबव द वाटर, वाई इज इट सो? रिकॉल दैट ऑयल एंड गैस आर लाइटर देन वाटर, क्योंकि ऑयल और गैस जो होते हैं दोनों लाइटर देन वाटर, पानी से हल्के होते हैं, सो दैट्स वाई दे डू नॉट मिक्स विद ईच अदर, और ये आपस में कोई भी चीज एक दूसरे से मिलती नहीं है, दैट्स वाई वी कैन सेपरेट इजली, और हम आसानी से उनको सेपरेट कर सकते हैं। द वर्ल्ड्स फर्स्ट ऑयल वेल वॉज ड्रिल्ड इन पेंसिल्वानिया इन यूएसए। सबसे पहला ऑयल वेल, मैंने भी आपको जस्ट बताया भी था कि सबसे पहले ऑयल वेल कहां पर मिला, सबसे पहले कहां पर खोजा गया, दैट इज कॉल्ड पेंसिल्वानिया इन यूएसए में 1859 में। उसके बाद उसके 8 साल बाद यूएसए में मिला, उसके बाद 8 साल बाद इंडिया में मिल गया। 8 ईयर लेटर इन 1867 ऑयल वॉज स्ट्रक, यानी ऑयल के कुएं, ऑयल वेल्स कहां पर मिले? सबसे पहले असम में, मकूम में, वहां पर तेल का कुआ खोजा गया। देन अब इंडिया में बहुत सारी जगह है जहां पर तेल के कुएं हैं, ऑयल इज फाउंड इन। इसके अलावा ऑयल कहां में मिलता है? गुजरात में, आसाम में तो है ही, उसके बाद गुजरात,
मुंबई हाई एंड इन द रिवर बेसिन ऑफ गोदावरी एंड कृष्णा, यहाँ पर हमें तेल के कुएं पाए जाते हैं जहां से ऑयल को स्ट्रक किया जाता है, यानी पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस को स्ट्रक किया जाता है। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ द रिलेटेड विद द पेट्रोलियम एंड हाउ द पेट्रोलियम इज रिफाइंड। यहाँ से मैं आपको कल डिस्कस करूंगी रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम से, ठीक है। आई होप सो यू विल अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। चलिए एक बार दो थोड़ा सा टॉपिक और है, एक बार देख लेते हैं इसको, फिर मैं नेचुरल गैस ले लूंगी। तो एक बार देखते हैं रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम। मैंने भी आपको समझाया कि पेट्रोलियम की रिफाइनिंग कैसे की जाती है। पेट्रोलियम इज ए डार्क ऑयली लिक्विड, ऑब्वियसली ब्लैकिश से कलर का। इट हैज अनप्लीजेंट ऑर्डर स्मेल, बेकार सी स्मेल है। इट इज अ मिक्सचर ऑफ वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट्स सच एज पेट्रोलियम गैस। इसके अंदर बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं, एक ही लिक्विड के अंदर सारे कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं। पेट्रोलियम गैस जिसको हम बोलते हैं एलपीजी, पेट्रोल, डीजल, ल्यूब्रिकेटिंग ऑयल, पैराफिन वैक्स एंड सो ऑन, ये सारे जस्ट मिक्स इन वन लिक्विड, एक ही लिक्विड में मिक्स होते हैं। सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड क्रूड ऑयल। क्या कहलाता है ये? क्रूड ऑयल। एंड द प्रोसेस, ठीक है, द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग द वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट्स फ्रैक्शंस ऑफ पेट्रोलियम इज नोन एज रिफाइनिंग। और एक लिक्विड के अंदर जो सारे कॉम्पोनेंट्स हैं उन सबको सेपरेट किया जाता है, एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रिफाइनिंग। उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, देख रहे हैं, रिफाइनिंग कहलाता है। इन सबको सेपरेट करना रिफाइनिंग कहलाता है। इट इज कैरिड आउट, और ये प्रोसेस कहाँ किया जाता है, रिफाइनिंग मतलब क्लीन करना, पेट्रोलियम में से सारे कॉम्पोनेंट्स को अलग करना, दिस इज कॉल्ड रिफाइनिंग। एंड द वर्क इज डन इन पेट्रोलियम रिफाइनरी, जहां पर ये काम किया जाता है, दीज आर कॉल्ड रिफाइनरीज। क्या कहलाती है? रिफाइनरीज, ठीक है, रिफाइनरीज कहलाती है। आगे देखते हैं, वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ पेट्रोलियम एंड देयर यूजेस आर इन गिवन टेबल 5.1। मैंने अभी आपको बताया था ये सारे यूजेस हैं हमारे इस टेबल में, ठीक है। कौन कौन से हैं? एलपीजी, एलपीजी पेट्रोलियम गैस को लिक्विड फॉर्म में पेट्रोलियम गैस निकाली है। पेट्रोलियम गैस किस फॉर्म में आई है? लिक्विड फॉर्म में, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, इट इज अ फ्यूल फॉर होम एंड इंडस्ट्री, देन पेट्रोल, मोटर फ्यूल, एविएशन, सॉल्वेंट फॉर ड्राई क्लीनिंग, ये सब मैंने आपको बता दिया अभी। स्टोव जिस सारे मैंने आपको बता दिए, सारे यूजेज है। बिटुमिन, पेंट एंड रोड सरफेसिंग, पैराफिन वैक्स, ऑइंटमेंट, कैंडल्स, वैसलीन, लुब्रिकेटिंग ऑयल, लुब्रिकेशन, डीजल, हैवी मोटर व्हीकल्स, जनरेटर, केरोसिन, स्टोव लैम्प, जेट एयरक्राफ्ट। क्योंकि पेट्रोल और केरोसिन ये दोनों ऐसे फ्यूल है अगर हमको हाईली रिफाइंड कर देते हैं, दे कैन बी यूज इन द जेट एयरक्राफ्ट, सो दे आर कॉल्ड रिफाइंड पेट्रोल एंड केरोसिन आर कॉल्ड जेट फ्यूल। क्या कहलाते हैं? जेट फ्यूल कहलाते हैं। आगे देखते हैं, मेनी यूजफुल सब्सटेंसेस आर ऑब्टेन फ्रॉम पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस आर कॉल्ड पेट्रोकेमिकल्स। देखिए, पेट्रोलियम से हमें बहुत सारे यूजफुल सब्सटेंस मिलते हैं, विच एक्ट एज ए रॉ मटेरियल, एक रॉ मटेरियल का काम करता है, जिससे बहुत सारे सब्सटेंस बनाए जाते हैं इंडस्ट्री में, जैसे सिंथेटिक पेंट, पेंट हो गया, डाइज हो गई, ड्रग्स हो गए, ठीक है, बहुत सारे सिंथेटिक क्लॉथ हो गए, पॉलीथीन हो गई, प्लास्टिक हो गई, सिंथेटिक प्लास्टिक, बहुत सारे नंबर ऑफ मटेरियल्स आर मेड फ्रॉम द रॉ मटेरियल विच आर ऑब्टेन फ्रॉम द पेट्रोलियम। यानी हम बहुत सारे सिंथेटिक डाइज, ड्रग्स, ये सब चीजें बनाई जाती हैं, और उनको बनाने में के लिए जिन सब्सटेंसेस का यूज किया जाता है, जिन रॉ मटेरियल्स का यूज किया जाता है, दीज आर ऑब्टेन फ्रॉम द पेट्रोलियम। किससे बनाए जाते हैं? वो पेट्रोलियम से। सो दैट्स वाई दीज रॉ मटेरियल्स आर कॉल्ड पेट्रोकेमिकल्स। क्या कहलाते हैं? वो पेट्रोकेमिकल्स। दीज आर यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ डिटर्जेंट। उन रॉ मटेरियल का यूज किसमें किया जाता है? डिटर्जेंट बनाने में, सिंथेटिक फाइबर बनाने में, पॉलीथीन प्लास्टिक बनाने में। इसके अलावा हाइड्रोजन गैस ऑब्टेन फ्रॉम द नेचुरल गैस इज यूज इन द प्रोडक्शन ऑफ फर्टिलाइजर ड्यू टू इट्स ग्रेट कमर्शियल इंपॉर्टेंस। पेट्रोलियम इज ऑल्सो कॉल्ड ब्लैक गोल्ड, यही कारण है। इसके अलावा हाइड्रोजन गैस इज ऑब्टेन फ्रॉम नेचुरल गैस। नेचुरल गैस से हाइड्रोजन गैस भी बनती है, सो इट इज यूज हाइड्रोजन गैस इज ऑब्टेन फ्रॉम द नेचुरल गैस। नेचुरल गैस से जो है हाइड्रोजन गैस बनाई जाती है, सो इट इज यूज इन द प्रोडक्शन ऑफ फर्टिलाइजर। फर्टिलाइजर में यूज की जाती है, एंड ड्यू टू इट्स ग्रेट कमर्शियल इंपॉर्टेंस, यही कारण है कि पेट्रोलियम का बहुत ज्यादा कमर्शियल इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि बहुत ज्यादा इंडस्ट्री में इनके प्रोडक्ट्स का, पेट्रोलियम के जो सब्सटेंसेस होते हैं, वो एज ए रॉ मटेरियल यूज किए जाते हैं। सो दैट्स वाई पेट्रोलियम इज कॉल्ड ब्लैक गोल्ड, यही कारण है कि पेट्रोलियम को क्या कहा जाता है? ब्लैक गोल्ड कहा जाता है, ठीक है। लेटर डिस्कस द कंसेप्ट ऑफ नेचुरल गैस। आई विल होप यू विल अंडरस्टैंड द कंसेप्ट। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। इफ यू हैव एनी डाउट देन यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।